अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो बस क्या है, उनसे बात करते करते आप 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके का हम मेजरिंग कप ले लेंगे। 1 कप लेंगे सूजी, 1 कप शक्कर, 1 कप दूध, 1/2 कप घी, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ, 18 से 20 किशमिश, 8 बादाम जिसको रफली चॉप कर लिया है, और काजू 8 लिए हैं, उसे इस तरह से कट कर लिए 2 हिस्सों में। कुछ केसर के धागे लिए हैं हमने, आपको बताना मैं भूल गई। और ये केसरी लिक्विड फूड कलर है जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और साथ ही लेंगे 2 गिलास पानी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक पैन को गर्म होने रख दिया है हमने, उसमें सूजी डाल के इसे हल्का सा भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट लगातार चलाते हुए इसे हमने रोस्ट कर लिया है। अब गैस बंद करके दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम सॉस पैन में शुगर सिरप बनाएंगे। चाशनी जैसे नहीं बनाना है, बस शक्कर को पिघले जितना ही, शक्कर पूरी तरह से घुल जाए इतना हमें पकाना है। सूजी हमने 1 कप ली थी तो पानी हम 2 कप लेंगे, क्योंकि हम 1 कप दूध लेने वाले हैं। अगर आप सिर्फ पानी में बना रहे हो तो 3 कप पानी लीजिए। आप जितनी भी सूजी लेंगे उसका 3 गुना पानी लीजिए। 1 कप दूध ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ केसर के धागे ऐड करेंगे, जिससे कि सूजी के हलवे में कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अच्छे से हिला के मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर के डालेंगे। लिक्विड फूड कलर है ये, आप अपने पसंद का कोई भी फूड कलर ले सकते हो। अच्छे से हिला के इसे मिक्स कर लेंगे। आप देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये शुगर सिरप हमने जो बनाया है, इसमें शक्कर भी घुल गई है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब हम सूजी बनाने के लिए एक पैन गरम होने रख दिया है, उसमें 1/2 कप जो घी था वो हम ऐड कर देंगे। घी हल्का सा गरम हो गया है, घी को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का गरम करना है। उसमें भुना हुआ सूजी हम इसमें डाल देंगे। लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, काजू, बादाम और पिस्ता। किशमिश ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि किशमिश भूनने से फूल जाती है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, हम ऐड नहीं करेंगे। सूजी को अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद ही हम ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक लगातार भूनेंगे तो ये खिले खिले और दानेदार बनेंगे। सूजी अच्छे तरीके से भून ली है हमने। अब इस स्टेज पर हम शुगर सिरप डालेंगे। चाशनी सूजी में डालते वक्त अपना आपने बहुत ध्यान रखना है, इसे एकदम से नहीं डालना है, 2 से 3 पार्ट में करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ नहीं डालना है, और इसे लगातार चलाते भी रहना है। 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। ये किशमिश हमने पहले नहीं डाले थे, अब डालेंगे इसमें। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब हम इसमें किसा हुआ सूखा खोबरा
ऐड करेंगे। ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे इसे हम। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये नीचे ना लगे। अब हम इसमें 2 ड्रॉप केवड़ा इसेंस के डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसे हम। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। माशाल्लाह, खुशबूदार डिलीशियस सूजी का हलवा बनके रेडी है। तो जब भी आपका दिल करे हलवा खाने का तो इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप रेसिपी देख के बनाइए और गरम गरम दानेदार हलवा खाइए। देखिए ये कितना दानेदार और डिलीशियस हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कुक विद स्पेशल इंसान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।